ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जस्ट अभी ऑफिस से लौटे और अभी हो रही है सुबह, कुछ 4:45 हो रहे हैं। तकरीबन एक साल से लगातार जिम हो रही है। बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल रहता है, ऑफिस जिम। ऑफिस में एक बंदा है, वो बाइकर है, ट्रैवलर है, ये सारी चीज़ें करता है। रैंडमली वो मेरे को मिला एंड उसका नाम है ओप्रो। अभी फटाफट से एक अनसर्टेन ट्रिप प्लान हो गया है। हालांकि कुछ 3-4 हफ्ते पहले, कैन से एक महीने पहले भी एक ट्रिप मेरा फाइनलाइज हुआ था। एक ट्रिप प्लान हुआ था मेरे भतीजे के साथ, वो ऑलमोस्ट प्लान हो चुका था, बट उस टाइम पे मेरा जो हाथ है वो टूट गया था। अगर आप पीछे के व्लॉग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस, मेरा हाथ बहुत इंजर्ड था, तो उस वजह से वो ट्रिप मेरे को कैंसिल करना पड़ा। मेरे वीक ऑफ वेंसडे थर्सडे को होते हैं एंड ट्यूजडे की शिफ्ट मैंने करी। अभी ट्यूजडे की शिफ्ट से लौटा हूँ, यानी कि अब वेंसडे की मॉर्निंग है। जाने का साधन होने वाला है बाइक एंड फटाफट से अभी निकलते हैं, वो आने ही वाला होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि मैंने 2-3 सूटकेस पैक करे, उसमें अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। 2 दिन बाद, जैसे आज वेंसडे है, तो फ्राइडे को मेरी दोबारा ऑफिस की शिफ्ट है। ऑफिस की वजह से कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं हो पाई। पिछले साल आई स्टिल रिमेंबर, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी थी। कुछ 2 महीनों में बहुत ट्रैवल करा था। एंड अभी वाले शूज़ पहने, ये मैंने अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले खरीदे थे, ये ब्लैक शूज़ हैं। इस जैकेट के पर्पस के लिए हम ये वाला बैग ले रहे हैं, नहीं तो मेरा जो छोटा वाला बैग है जिसको मैं अक्सर ऑफिस और जिम ले जाता हूँ, जो कि ये वाला बैग है। आई डोंट नो कैमरे का लेंस जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट ये जैकेट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैवी है। सो इस जैकेट को लेंगे, इस बैग के अंदर डालेंगे। वो लैपटॉप वहाँ पर पड़ा हुआ है, एक डीओ पड़ा हुआ है जो मैं कभी यूज़ नहीं करता, राइट। इन सारी चीज़ों को रखेंगे एंड तुरंत निकलते हैं गाइस। सो लेट्स गो। इस GoPro को भी कैरी करेंगे क्योंकि वाटरप्रूफ है। ऐसा भी हो सकता है वहाँ बारिश हो जाए, तो अगर बारिश होती है तो वहाँ पे जो व्लॉगिंग होगी इस वाटरप्रूफ कैमरा से होगी। सो GoPro को भी कैरी करेंगे। एंड एक और रीज़न है GoPro को कैरी करने का, कैमरा की जो स्टोरेज है वो कभी भी भर सकती है। चांसेस है कि कैमरा की जो स्टोरेज है वो भर सकती है एंड मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि दो दो तीन तीन एसडी स्टोरेज लेके चलूँ। सो यस, GoPro भी साथ में लेंगे। इसको मैंने फुली चार्ज कर लिया, आप देख सकते हैं, बैटरी फुल है। आई डोंट नो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ शायद अब दिख गया होगा। Hey guys, hi, very good. कैसा है तू? I'm doing absolutely fine. कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग आज जा रहे हैं हर्षिल। 14 hours के ride है, we have to cover 418 kilometers in one go, so more power to us. How we are managing how to put our luggage in an organized manner? भाई मैं तो बहुत ज़्यादा फक्ड हूँ क्योंकि शिफ्ट करके आया हूँ। अच्छी खासी तेरे को बता, पूरी रात भर नहीं, आप पीछे बैठना, मैं आ रहा हूँ। मैं तो नींद में लेके आया हूँ तक। अब मैंने रखा नहीं, आप इतने थॉटफुल इंसान हो, माइंडफुल हो, आप बताओ। चलो, अरे how many places you have been? I have tried to cover most of the parts of Uttarakhand. I have been to Munshiyari, Pithoragarh, then recently I have been to Chandrashila, which includes Tungnas as well. And after completing my graduation, I have been to Tripura on my bike solo, 2600 kilometers in 4 days. I have been to Rajasthan as well. I have covered little bit of Himachal Pradesh. So this upcoming June I'm going to Spiti. And yes, I've been to Nepal, Lower Mustang mera khatam hai. I've been to Marfa, Jomsan, Muktinath, Pokhara. So yes, I've already clocked 50,000 kilometers in my bike in 2 years. Sorted ho gaya na sir? Pura. So let's go. Chalo, let's go. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. बदल दिया क्या आपने? हाँ, तो दिक्कत क्या आई थी भैया? दिक्कत फूका है ना? ना रिले। तो ये दिक्कत अचानक से क्यों आया, एक बार बता तो दो। हो जाती है। जैसे ना, हमें अभी पेट पूजा करने जाना है। आई एम स्टार्विंग राइट नाउ, सिंस 6:30 वी हैव बीन ट्रैवलिंग। हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं अभी? वी आर 20 किलोमीटर्स फार फ्रॉम मुजफ्फरनगर। दिस प्लेस इज नोन एज देवराना। अभी टाइम क्या हो रहा है ब्रो? इट्स नाइन। तो गाइस ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। पूरी नाइट शिफ्ट करी थी मैंने कि भाई तो आज अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन ब्रेक, ठीक है, मैं आया ही नहीं ऑफिस। ये ऑफिस ही नहीं आया आज। अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि ऑफिस में भी ज्यादा कुछ खाया नहीं था एंड बाइक भी बीच में ख़राब हो गई थी। अच्छी खासी बाइक की वाट लग गई थी, उसमें स्पार्क प्लग में इशू आया था। Hi,
यार मैं देखता हूँ इसमें चॉइसेस क्या क्या है यार, उड़ता पंजाब कर लो यार, जा तो रहे हैं 70 कितने किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी तक? वी हैव कवर्ड मोर देन 130 मोर देन 130 किलोमीटर्स 130 किलोमीटर्स प्रिसाइजली हां प्रेस नॉट वी कांट से प्रिसाइजली ब्रो नो द मोमेंट आई लेफ्ट फ्रॉम माय होम सो आई हैव रीसेट माय ट्रिप मीटर अच्छा सो आई हैव सीन दैट वी हैव ट्रैवल्ड 121 किलोमीटर्स प्रिसाइजली So guys, yes, it's 120 kilometers precisely. थोड़ा हाइड्रेटेड फील कर रहे हैं बट स्किन को थोड़ा हाइड्रेशन दे रहे हैं हम दे चुके हैं स्किन को थोड़ी बहुत हाइड्रेशन एंड अभी फटाफट से हमने बर्गर पैक करा लिया है कुछ 5 से 7 मिनट लगेंगे थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं एंड लेट्स हैव बर्गर विद कूल कॉफी थोड़ा ट्रीटमेंट अपने आप को देना चाहिए सो यस बस 2 दिन की बात है थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे पहाड़ों को छू के ही आएंगे वहाँ ज़्यादा रहने नहीं वाले बसने नहीं वाले सो यस अभी फटाफट से जाते हैं यहाँ से खाते हैं फिर ऋषिकेश जाते हैं और इसको यार कुछ काम भी है इसको अपनी बाइक का ऑयल चेंज करना है क्योंकि हर्षिल यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड यू नो कुछ 300 किलोमीटर अभी भी दूर है सो हार्डली 10 मिनट लगे यार एंड ये फ्राइज रेडी है फ्राइज तो यही खाने वाला है आई एम नॉट गोना ईट फ्राइज because of obvious reasons deep fried and ye burger bhai bahut zyada health conscious hai ye burger iske liye and this is for me and it's a cold coffee that I ordered ye cold coffee order kara hua hai bahut time baad cold coffee piunga I literally can't express yaar bahut time baad ye taste kar raha hai अगर वो हो जाए तो वही 14 सितंबर को कुछ लेना नहीं है जस्ट वन वर्ड सिटी ईटिंग आफ्टर स्टार्विंग फॉर लास्ट 3 hours एटलीस्ट आई एम हैविंग फूड सो इट्स जस्ट सिटी ईटिंग लेट्स मूव लेट्स मूव चलो तो गाइस फाइनली रुड़की पहुंच चुके हैं अभी हमें काफ़ी आगे जाना है अभी हम प्लेन्स में ही हैं रुड़की प्लेन से इसके बाद यू नो पहाड़ चालू होंगे माउंटेन्स चालू होंगे ये सब चालू होगा तो अभी फटाफट से हम बजाज के शोरूम में आए हैं थोड़ा ऑयल बदलेंगे तो अभी देखिए गाइस नीचे अभी भाई यार अभी बजाज के सर्विस सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं अभी हम पे हमारी बाइक में ऑयल चेंज हो रहा है दैट्स अ बाइक एंड थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों बाद मैं रात को सोने वाला हूँ आज ऐसा तो है नहीं कि मैं कार में जा रहा हूँ कार के पीछे की बैक सीट में मैं सो गया हूँ आराम से मस्त होके सोना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है एक टारगेट सेट करा हुआ है कि शाम के 5 बजे तक एनी हाउ हमें हर्षिल वैली पहुँचना पड़ेगा गंगोत्री हर्षिल वैली से बढ़ता है उत्तरकाशी रुकेंगे तो हम फंस जाएंगे राइट सो उत्तरकाशी नहीं रुकेंगे हम सीधा टारगेट ये सेट करेंगे कि हर्षिल पहुँचे और वहाँ पर कोई होम स्टे देखें फॉर श्योर आज रात को मैं सोने वाला हूँ एंड आई डोंट नो मतलब ये कुछ अजीब से एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि रात भर मैं उठा रहता हूँ जब ऑफिस चालू होता है तो ऑफिस में मैं उठा रहता हूँ या जब मेरा वीक ऑफ होता है तो रात को चमगादड़ों की तरह मैं घर में भटकता रहता हूँ यू नो डाइट्स मैनेज करता रहता हूँ ये सब करता रहता हूँ ये जो सर्विस सेंटर का वेटिंग एरिया होता है राइट जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं लाइक बाइक के सर्विस होने का वेट करते रहते हैं पूरा का पूरा एरिया जो है हमने ऑक्यूपाई करा हुआ है देखो टेबल में हमारे हेलमेट्स पड़े हुए हैं राइट यहाँ पे देखो लैपटॉप आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप है यहाँ पे भाई के हेलमेट के अंदर का जो डिवाइस है राइट वो चार्ज हो रहा है ठीक है ऊपर देखो मेरे लैपटॉप का चार्जर लगा हुआ है पूरा का पूरा जो वेटिंग रूम है हमने ऑक्यूपाई करा हुआ है ये गेट की एंट्री तो ये देखो ये लैपटॉप हो रहा है राइट ऊपर चार्जर लगा हुआ है ये भाई का चार्ज हो रहा है ये पूरी पूरी टेबल ऑक्यूपाई रखी है वहाँ पर बैग रखा हुआ है क्या हालत हो गई है इसकी दिस इज द एयर फिल्टर ऑफ द बाइक आई जस्ट हैव रिटर्न 6000 तो हुआ क्या इसको गंदी हो गई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई खत्म ये गई यार बाइक तो होती रहेगी अभी फटाफट से प्रिंट बलूची चलते हैं वहाँ लंच करते हैं थोड़ा लेट्स सी क्या ऑप्शन है हम लोग 3 हैं दूसरा यहाँ बैठते हैं ब्रो बेस्ट प्लेस ओके भाई प्रोटीन चाहिए सुबह से कुछ प्रोटीन नहीं मिला है चाप वाप नहीं चाहिए मेरे को चाप नहीं चाहिए ब्रो नॉन वेज चाहिए मुर्गा मीट
पलटो और पलटो मूर्त मीट तंदूरी पराठा ना, पराठा नहीं चाहिए भाई, चिकन चाहिए। चीट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट अभी पेट तो भरना ही है, राइट? पेट भरना है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी किसी भी चाइनीज़ वैन में, राइट, वहाँ पे हक्का नूडल्स चल रहा है, वहाँ पे मोमोज चल रहा है, अच्छी जगह बैठेंगे जहाँ पे अच्छा तेल, अच्छा ऑयल यूज़ होता है। पेंट बलूची अच्छा खासा रेप्यूटेड रेस्टोरेंट, यू नो, थोड़ा जायके का मज़ा लेंगे, है ना? लो भाई, जायका आ गया ब्रो। अरे जायका आ गया गाइस, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरी स्टोरी बन रही है। गाइस थोड़ी चीट है, बट है तो प्योर प्रोटीन। अरे इधर इधर, ओ मेरा, भाई भी हमारे साथ, भाई का दोस्त। शाम हो चुकी है यार, 7 बज चुके हैं, एंड अब जाके थोड़ी देर पहले नंबर आया था। हमारी बाइक ऑलरेडी सर्विस हो चुकी थी, बट एक पार्ट ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। सो गाइज, अब हालत लिटरली देख ही सकती है कितनी बुरी हालत हो चुकी है ऑलमोस्ट। यार अभी होटल रूम के रिसेप्शन में अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, या कैसे भी कह सको आप, हर्षल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ, राइट, वी ऑलरेडी स्क्रूड, वी आर टायर्ड, और जो भी कह लो, टेरिबली सो अनकम्फर्टेबल। सो गाइज, अब हालत लिटरली देख ही सकती है कितनी बुरी हालत हो चुकी है ऑलमोस्ट। सो यार, इसलिए हमने प्रेफर करा कि हर्षिल नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, और मे बी 15 दिन बाद। अगर हम यहाँ से लिटरली हर्षिल जाते तो हम थकते, फिर हर्षिल से वापस लौटना एंड परसों ही ऑफिस। हमने प्रेफर करा कि ऋषिकेश में हम एक रूम देख लेते हैं, गंगा रिवर फेसिंग हमने एक रूम देखा है। सो यस, वहीं पर हम स्टे करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि लिटरली मेरे को पहाड़ों को छू के आना था। दैट वॉज ओनली माई मोटिव, ये वाला जो अनप्लान ट्रिप हमने करा था। अबरा, ये फॉलोइंग मी, राइट? है ना, मतलब जो हमने ये ट्रिप प्लान करा था, हमें पहाड़ों को छूना था, राइट, पहाड़ों को देखना था, एंड वो हम देखेंगे। रात बहुत हो चुकी है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। कोई नहीं, रूम में जाओ, जाके मैं व्यू दिखाऊँ, सब कुछ भूल जाओ। यार देव ने योग नगरी में आया, जय श्री राम। थैंक यू भैया, भी आ रहे हैं ना ब्लॉग में? ओह वाओ भैया, भी तो आनी चाहिए ना। हाय भैया, आपका नाम क्या है? कितने साल हो गए आपको? 3 साल। सो गाइस, यस, भैया हमको हमारे रूम के दर्शन करवाने वाले हैं कि हमारे रूम अभी क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, और क्या इसके जैसा दिखने वाला है। इसके जैसा दिखने वाला मतलब तो बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। सो गाइस, आपको रूम टूर करवा देते हैं। सो गाइस, दिस इज द रूम। थैंक यू, थैंक्स मच भैया। ब्रो, वी गॉट आवर ओन प्राइवेट बालकनी ब्रो, एंड वाह, आई मीन अभी रात को मज़ा नहीं आएगा यार, मैं सुबह दिखाता हूँ तुम लोगों को। अभी मुझे खुद नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। गंगा माता इज फ्लोइंग जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ अस, एंड वी गॉट आवर ओन प्राइवेट बैंकल वेयर वी कैन चिल पिया। सो थैंक यू सो मच भैया, ये हमारा बैग, एंड ही इज सो हैप्पी। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो हैप्पी। जूते पहले उतारो भाई, ये सब मत करो, ठीक है? पता नहीं इतना खुश हुआ हर्षिल तो हम जा नहीं पाए जहाँ हमें जाना था। स्टिल ही इज सो हैप्पी, व्हाई सो? भाई मेरे को ये जगह इतनी पसंद है ना, स्पेशली ये होटल। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था यहाँ पे? नहीं, बार में सब तो बढ़िया है, लेकिन वॉशरूम की तरह भाई, नहीं ये वॉशरूम तो नहीं है, मैं तो ऐसे भाई दरवाजा होता ये तो मेरे
भाई मैंने सोचा कब ऑर्डर है टम 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 भाई पम 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 ठीक है सही है मजा आ गया मजा आ गया चलो लेट मी टेक क्विक शावर डन इतना सुंदर बाथरूम देखिए मेरा मन सो अभी ओब्रो ने कॉफी बनाई है मस्त कॉफी बनाई है एक नंबर हमारे मतलब वाली कॉफी बनाई यार इसको भी शायद शुगर पसंद नहीं है ना यू डोंट लाइक शुगर ना आई प्रेफर अमेरिकन मोस्ट ऑफ द टाइम हां सो यस कॉफी सही बनाई है मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बनाएगा बट क्या क्या बनाएगा लड़का मतलब इंटेलिजेंट है अब इसके पीते ही या फटाफट शावर ले तू क्योंकि मेरे को ही शावर लेना है और रात को ऑफिस में तो मैंने काम करा था और अभी तक मतलब मेरे को इतना अजीब लग रहा है अब गर्मियाँ भी आ गई है राइड पूरे दिन भर हम राइड ही कर रहे थे आउट शोरूम में बैठे हुए थे मतलब मैं वीक ऑफ अपना शोरूम में मना रहा था कल का क्या शेड्यूल है कल का शेड्यूल देखते हैं यार अब देखना यार प्लीज़ अभी वही है जब तक वो शावर ले रहा है तब तक थोड़ी मैं एडिटिंग कर लेता हूँ थोड़ा एडिटिंग करना था मेरे को एक ब्लॉग था तो इनकम्प्लीट रह गया था तो उसको फटाफट से एडिट करता हूँ भाई जल्दी आ जा सो गाइस ये नहा चुका है सो गाइस उसने शावर ले लिया है मस्त शावर ले लिया चल बंद कर दिया मैंने देखो क्या मस्त लग रहा है यार ये लिटरली अभी डिमांड कर रहा था कि भाई अपनी मसल मेरे को थोड़ी दे दो बट इट्स नॉट दैट इजी इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क हार्ड वर्क करो और मसल गेन करो रात को थोड़ा बहुत डिनर करे एंड सो गए थे होटल में सो अभी मॉर्निंग हो रही है तो थोड़ा होटल से बाहर निकला था एंड इस बेकरी कैफे में बैठे हुआ हूँ बेकरी कैफे इज वेरी अमेजिंग बेकरी कैफे का व्यू बहुत सही है एग्जैक्टली उस जगह उस वाले लैंड पे मैं बैठा हुआ था एंड आई स्पेंट कुछ डेढ़ घंटा वहाँ पे जस्ट टू गेट सम शांति एंड यस फाइनली अब मैं इस बेकरी कैफे में बैठा हूँ एक क्रॉशे एंड एक कॉफ़ी ऑर्डर करिए जस्ट टू गेट थोड़ा ताजगी एंड ऑल दैट ताकि थोड़ी सी वाइब चेंज हो सके ऑलराइट गाइस डन विद द कॉफी ब्यूटीफुल से व्यू को छोड़ के अब होटल की तरफ चलते हैं एंड होटल में भी बफे ब्रेकफास्ट अवेलेबल है एंड फिर निकलते हैं घर को क्योंकि कल शिफ्ट स्टार्ट है जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है अभी फटाफट से रूम पहुंचेंगे देखते हैं वो बंदा तो अभी सो ही रहा है अभी लेट्स सी देखते हैं कि उठा कि नहीं उठा होटल पहुँचते हैं फटाफट से एंड इस व्यू को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ एक कैपेचिनो एंड क्रॉसिंग ऑलराइट इस बेकरी से निकल चुके हैं एंड सीधा अगर मैं आपको बताऊं वो जो सीधा रोड जा रहा है वो जा रहा है होटल को यहाँ से कुछ 100 से 200 मीटर की दूरी पर है ये नैरो पैसेज के बिल्कुल सीधा ही में क्या बोलते हैं होटल है आई थिंक आई गॉट ज़ूम हियर रात को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया था मतलब लाइटनिंग की बात नहीं है बात ये थी कि बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड अभी मॉर्निंग में क्या बोलते हैं मैं मस्त रिवर के सामने था एंड ये हमारा होटल एंड वो जो फिफ्थ फ्लोर आप देख रहे हो उधर वहाँ पे हमारा रूम है जाने दो मुझे एंड दिस इज़ एक्चुअली द एंट्री गेट एंड दिस इज़ एक्चुअली रिसेप्शन वाला पार्ट एंड रिसेप्शन से अगर हम इस साइड आते हैं देन वील सी ये जा रहा है स्टेयर से एंड ये जा रहा है लिफ्ट से लिफ्ट यूज़ करेंगे लिफ्ट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि डेली तो ये वाली चीज़ें हम करते रहते हैं कार्डियो परफॉर्म करते रहते हैं तो अभी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए हैं तो मेहनत थोड़ी कम करेंगे एंड ये वाला एरिया एस्थेटिकली डिज़ाइन है दिस इज़ अगेन अ कॉमन रूम वहाँ पे किसी को टीवी देखना हो टीवी देख सकता है किसी को लूडो खेलना हो तो लूडो खेल सकता है काउच में बैठ के किसी को अपने ख्यालों में खोना हो तो वो खो सकता है एंड कैरम भी खेल सकता है सुबह सुबह इस प्रॉपर्टी में घूमने का मज़ा ही अलग है क्योंकि जब लिटरली अंधेरा हो रहा था सुबह भी नहीं हुई थी तब मैं इस प्रॉपर्टी से निकल चुका था दैट आई वाज नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि ये प्रॉपर्टी इतनी एस्थेटिकली डिजाइंड है इतनी अच्छी ग्रीनरी है सो दिस इज एक्चुअली द गार्डन एरिया एंड वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है कोई अगर वहाँ बैठ के इस गार्डन का लुफ्त उठाना चाहता है तो वो ईजिली उठा सकता है एंड एक कैपेचिनो भी पी सकता है प्लेन पर आठ हो गया एंड थोड़ा दही अभी इतना कुछ खा लिया एंड एट द एंड अब होटल की कॉफी स्लर्प करनी ही रह गई है बस यार यही करना था मेरे को वीकेंड में यहाँ आना था पहाड़ छूने थे
नदी का शोर सुनना था एंड यस हो चुका है यार, अभी फटाफट से मैं ऊपर जाऊंगा, पैक करूंगा एंड ट्रिप इज बीन एंडेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया प्लीज़ गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।